हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तपन मेरा फोन नहीं उठा रहा है। उसे और थोड़ा टाइम दो, परेशान है वो, अभी सब कुछ नहीं भुला पाया वो। तपन ने तो पीना भी शुरू कर दिया है। जानता हूँ, कल रात को जब देर से लौटा तो मैंने ही दरवाजा खोला था। खाना गर्म कर दो बेटा, तुम्हारी मम्मी तुम्हारे वेट करते करते सो गई 12 बजे। नहीं, मैं खा गया। फिर पिया होगा, कुछ खाया नहीं होगा। चलो कुछ खा लो। नहीं खाना। तपन, अगर तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं तो कल से मैं भी चलूं तेरे साथ पीने। बिना टेंशन मत लो, उसे और थोड़ा टाइम दो। अभी अभी तो ब्रेकअप हुआ उसका आरती के साथ। मेरा बेटा उस आरती के पीछे ना अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। यही बात उसे खुद रियलाइज करने दो, तब जाके इस सबसे बाहर निकलेगा वो। क्या लगा तपन? मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है संजय। आरती शादी कर रही जीतू से, डेट फाइनल हो चुकी है, 7 नवंबर। मैंने तुझे कहा था कि उससे पूछ कर और मुझे बता। नहीं, तूने नहीं कहा था, लेकिन तुझे पता होना चाहिए। तुझे पता होना चाहिए जिस ब्रेकअप को लेकर पिछले 2 महीने से उदास घूम रहा है तू, उससे आरती को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो शादी कर रही है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही है वो, खुशी खुशी। आगे से अगर मेरी मम्मी तुझे फोन करके मुझसे बात करने को कहे तो उनसे कहना मेरी लाइफ में दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है। भाई, तू कितना भी दुखियारा बन के घूम, आरती वापस नहीं आने वाली तेरी जिंदगी में। ठीक है संजय, लीव मी अलोन, शी इज गॉन। मुझे तेरी या किसी की हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं, और तरस खाना बंद करो मुझ पर। कई सालों के रिलेशन में गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप ने एक आदमी को इस हद तक नाउम्मीद कर दिया था कि वो खुद को बर्बाद करने के रास्ते पर चल पड़ा और अपनी भावनाओं के बवंडर और तकलीफ से भागने की चाह ने तपन को उतावलेपन और लापरवाही की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था। कहते हैं कि लोगों का मिलना बिछड़ना, रिश्तों का बनना और बिगड़ना, ये सब संजोग है, सब नियति का खेल है जिस पर इंसान का कोई बस नहीं चलता। पर शायद दर्द में जी रहे 28 वर्षीय तपन गर्ग के लिए अभी ये बात स्वीकार कर पाना बहुत मुश्किल था। वो एक ऐसी अवस्था में था जिससे बहुत सारे नौजवान गुजरे होंगे और शायद आगे भी गुजरेंगे। कोई चोट तो नहीं लगी ना तुझे? भाई साहब, भाई साहब इधर। हेलो भाई साहब, एक से बढ़कर एक आइटम, आओ ना मैं दिखाता हूँ। देखने का पैसा नहीं है भाई साहब। अरे भाई साहब, यहाँ यहाँ आपके हिसाब की मिलेगी। भाई साहब यहाँ आओ ना। ओ साहब, ओ साहब, ओ साहब, आप कहाँ घूम रहे हो? आप जो ढूंढ रहे हो वो सिवाय मेरे किसी के पास नहीं। आइए मेरे। आरती नाम की मिलेगी। अरे आपके लिए आरती नाम रखवा देंगे, आप आओ तो सही मेरे साथ। देख, चुपचाप रहनी चाहिए, ना हंसनी चाहिए, ना कुछ बोलनी चाहिए। जो मैं करूंगा ना करूंगा, 100% मिलेगी। जो मन में आए सब करो, बस एक काम करना, मारपीट नहीं करने, वरना लफड़ा होगा खामोख। आइए साहब, आइए। नीलिमा, इनको बिल्कुल हमारी लैला टाइप की चाहिए, हमारे खास आदमी है, अच्छा रेट लगा दो। देखिए साहब, लैला का 1 घंटे के लिए 800 रुपए है, आप उसे 2 घंटे के लिए लेके जाइए और मुझे 1200 रुपए दे। हाँ। अब 2 घंटे के लिए लैला आपकी,
अपने साथ नहीं लाए होंगे ना, तो ये पहन लेना। लीजिए सकती है, आइए आपको लैला से मिलवाते हैं आपकी, चलिए। और 2 घंटे में 5 मिनट हो ना तो मैं दरवाजे पे आवाज दूंगी। इस वक्त इस कमरे में बैठा तपन गर्ग अपने अंदर की अशांति और निराशा के कारण एक अपराध के क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था और आगे चलकर अनजाने में वो एक अपराध का हिस्सा भी बनने वाला था, या फिर संयोग उसका जीवन बदलने वाला था। हंसना बंद करो आरती, ने कहा हंसना बंद करो। आरती मुझे चिढ़ाना बंद करो, नहीं तो मैं कुछ कर दूंगा। इधर देखो, इधर, मैंने कहा मेरी तरफ देखो। कुछ नहीं करना है मुझे तुम्हारे साथ, कुछ नहीं। रिजेक्ट जानते हो क्या होता है, मुझे तुझे टच भी नहीं करना, कोई फीलिंग्स नहीं है तुम्हारे लिए मेरे अंदर। तुम आरती हो, आरती तुम मुझे छोड़कर किसी और के साथ शादी कर रही हो, मुझे छोड़कर। ऐसे ही छोड़कर चली गई, क्यों क्यों छोड़ा मुझे, क्या कमी है मेरे अंदर? अभी 2 घंटे हुए नहीं है। तो मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया है, तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? लेकिन अभी 1 घंटा बाकी है। तो मैं क्या करूं? अगर आप ऐसे चले गए तो मैडम को लगेगा मैंने आपको खुश नहीं किया, कल पूरा दिन मुझे खाना नहीं देंगे। तुम्हारे मैडम को मैंने 2 घंटे के पैसे दे दिए एडवांस, वो मैं वापस नहीं लूंगा। मैडम को लगेगा कि आप जल्दी इसलिए चले गए क्योंकि मैंने आपको खुश नहीं किया। क्या कमी है मुझ में? ऐसे ही छोड़कर चले। बोलती है कि अब रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ाना। तुम्हें बताया मैं कितना प्यार करता था उससे, लेकिन वो मुझे ऐसे ही छोड़कर चली। मैंने उससे पूछा भी वाह कोई रीजन तो बता दो। बोलती है थक गई है अब रिलेशनशिप, मुझसे थक गई है, थक गई है। Thank you.
साला इस लैला से सब कस्टमर नाखुश होकर जाते हैं, लेकिन इस बंदे ने इसमें ऐसा कौन सा ताजमहल देख लिया? दोनों सड़ियल हैं, जैसा वो वैसी लैला, अब दोनों की जम गई। हमारी फैमिलीज को हमारे रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी नहीं, ना कोई कास्ट वास्ट, ना रिच पुअर, कुछ भी नहीं। बस वो थक गए, अब मैं उसे पसंद नहीं। कुछ कमी दिखती है क्या मुझ में तुमको? हाँ, जीतू का नाम है आरती के वेडिंग का, उसमें कोई कमी नहीं, कमी मुझ में। 3 साल से मेरा आरती के साथ सब कुछ था, और जीतू को तो 6 महीने से जानती है, लेकिन कमी मुझ में। आरती के वेडिंग कार्ड पर मेरा नाम होना चाहिए था, मालूम है कितना दर्द होता है मुझे, तुम जानती हो। 1 हफ्ते से मैं तुमसे बात कर रहा हूं, तुमको फील नहीं होता है क्या मेरे अंदर का दर्द? मेरे अंदर कोई कमी है, बता सकती हो मुझे? खाना मिलता है तुझे? बस खाना खाओ, पेट भरो, बस। और कोई फीलिंग्स नहीं है ना तुम्हारे अंदर, है ना? मैं खाना नहीं खा पा रहा, सो नहीं पा रहा हूं चैन से, जी नहीं पा रहा हूं, रोज मरने की सोचता हूं, इसलिए चला आता हूं यहां नरक में। लेकिन तुमको तो बस खाना ही खाना है ना? मुझे मेरे घर वापस जाना है। और मुझे मेरे घर जाना ही नहीं है, मरना है। आरती मेरी जिंदगी थी, वो चली गई तो मेरी जिंदगी भी चली। मुझे मेरे घर वापस जाना, मुझे यहां नहीं रहना, मुझे यहां जबरदस्ती लाया गया था, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। तुम मुझसे हेल्प मांग रही हो? प्लीज। क्या नाम बताया था तुमने अपना? लैला, पर वो मेरा असली नाम नहीं है, ये लोग मुझे यहाँ इस नाम से बुलाते हैं। मेरा नाम नफीसा कुरैशी है। हाँ, मेरा भाई मुराद मुझे ढूंढ रहा होगा, मम्मी को और भाई को पता भी नहीं होगा कि मैं यहाँ आगरा में हूँ। मुराद, तुम जिस कंपनी के बारे में बता रहे हो उसके बारे में पता तो किया था, तुम्हारे सामने ही कॉल किया था, पर वो लोग ऐसे ही किसी को काम पर तो नहीं रखते। नफीसा कुरैशी, नो सर, इस नाम की कोई ज्वाइनिंग नहीं, और ना ही कोई बीना कुमारी नाम की एम्प्लॉय है हमारे यहाँ। आप बोल रहे हैं कि उसने नफीसा कुरैशी को हमारे यहाँ रिक्रूट किया था? 16 अगस्त की बात है शहनाज जी, नफीसा यहाँ अपने घर रांची से निकली थी, उसने अपने भाई मुराद और माँ बिल्किस को यही बताया था कि वो आपके मुंबई वाले ऑफिस को ज्वाइन करने जा रही है। नफीसा इस बीना कुमारी से ही मिली थी, और उसने कहा था कि बीना के जरिए ही उसे रिसेप्शन का जॉब मिला। आई एम सॉरी सर, हमारे यहाँ रिक्रूटमेंट ऐसे नहीं होते हैं, उसके लिए अलग से HR डिपार्टमेंट है, शायद उस लड़की ने अपने घर वालों से झूठ बोला होगा। मुराद, हमने नफीसा को ढूंढने की बहुत कोशिश, पर इतना तो कंफर्म है कि उसने KNT फार्मा ज्वाइन तो नहीं किया। नफीसा के कॉल रिकॉर्ड से बीना कुमारी का पता चल सकता है, हमने उसके रिकॉर्ड्स मंगवाए, देखते हैं उसमें से क्या मिलता है। सर, नफीसा आपकी ने KNT फार्मा ही बताया, वो ऐसे झूठ बोलकर नहीं जाएंगे, और अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं होती तो वो कभी जाती नहीं, जॉब तो वो यहाँ पर भी कर ही रही थी। हम तो पता करेंगे मुराद, पर तुम भी पता करो कि नफीसा की लाइफ में कोई लड़का था क्या, कोई दोस्त या मोहल्ले का जिसके साथ वो भाग गई हो? मतलब मुंबई के बजाय तुम यहाँ आगरा आ गई, वो भी बिना मर्जी के? कौन लाया तुम्हें यहाँ? तुम्हें भी प्यार में धोखा मिला है क्या? तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने चीट किया? मैं किसी के साथ भाग कर नहीं आई थी, बीना ने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया था। मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान मानूंगी, प्लीज मेरी छोटी सी हेल्प कर दो, मैं किसी तरह अपने घर अपनी मम्मी अपने भाई के पास पहुंच जाऊं। क्या नाम बताया था तुमने अपना? नफीसा कुरैशी। और तुम्हारे भाई का? वो मुराद कुरैशी, छोटा है वो मुझसे। घर का है तुम्हारा? कहाँ से हो तुम? अरे साहब जल्दी दरवाजा खोलो, पुलिस की रेड पड़ी है। तपन साहब जल्दी दरवाजा खोलो।
और एक बनाओ या कुछ और खाएगा? बस ये क्या है, ऐसे ही खा रहा है, आचार खा ले। अरे बस लिया है मैंने मम्मी, चाय चढ़ाई है मैंने, पी के जाना। और सुन, खाना भी रेडी हो रहा है, टिफिन लेते जाना। बहुत दिनों के बाद तुझे ब्रेकफास्ट टेबल पे देखा है ना, लगता पूरे महीने का ब्रेकफास्ट तुझे एक ही साथ खिला देगी। आज आगे से फोन करके बुलाया तूने, वो भी इतना अर्जेंट, क्या बात है? पैचा हो गया आरती से, बेटा शादी के कार्ड छप चुके हैं उसके। नहीं यार, तू चलना मेरे साथ, चाय की दुकान पे चल के बात करनी है तुझसे, बहुत जरूरी, चलना प्लीज। क्या बोल रहा है तू, रीढ़ पड़ गई? तू धंधे वाले के साथ था, अबे तू क्या कह रहा है, तेरे को समझ में भी आ रहा है? तू साले पकड़ा जाता जेल में सड़ रहा होता, और अंकल आंटी क्या सोचते, गधे? और वो आरती, साले खुश होती, वो बोलती थी मेरे को पता है इसके बारे में सब कुछ, मैंने इसलिए छोड़ दिया उसे। अरे आरती की फिक्र नहीं है कि वो क्या सोचती है, इस वक्त मुझे सिर्फ नफीसा की फिक्र है। नफीसा? अब नफीसा कौन है बे, इसने भी दिल तोड़ा गया तेरा? एक हफ्ते पहले मिला उससे, जब रेट बढ़ी थी तब उसी के साथ था। वो धंधे वाली? अरे धंधे वाली मत बोल यार, जबरदस्ती रखा गया उसे, मैं उससे सब पूछ ही रहा था, वो मुझे सब बताती, इससे पहले रेट पड़ गई वहां। सिर्फ इतना पता पड़ पाया है कि उसका एक छोटा भाई है जिसका नाम मुराद है। तो अब तू अपने साले को ढूंढेगा? अबे साले, नफीसा कुरैशी नाम सुनते ही अंकल आंटी बेहोश हो जाएंगे, और जब होश में आएंगे ना तू बताएगा वो क्या करती है, फिर भी होश हो जाएंगे वो। अरे मेरे बाप, मुझे उससे शादी नहीं करनी है, मैं तुझे सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि पिछले एक हफ्ते से मैं उसी के साथ था, उसे अपना दुख बताया जा रहा था और वो चुपचाप सुन रही थी, कुछ नहीं बोली, लेकिन जब बोली तो सिर्फ इतना बोली कि उसे जबरदस्ती रखा हुआ है, इससे पहले मुझे वो कुछ और बताती वहाँ रेट पड़ गई। भाई अच्छा हुआ रेट पड़ गई, नहीं तो तेरे दुखियारेपन की डोज डबल हो जाती। बैठ यहाँ, देख मैं खुश हूँ कि तू आरती के चक्कर से बाहर निकल गया, लेकिन वापस से किसी नफीसा के चक्कर में अपनी लाइफ मत बर्बाद कर यार। अरे यार संजय, वो मुसीबत में है, तू सुनना, एक काम करना, तू वहां जा, जग्गू से मिल, जग्गू तुझे नीलिमा के अड्डे पे लेके जाएगा, उधर तुझे लैला के बारे में पूछना है, बोल कर भी नफीसा का नाम मत लेना प्लीज यार। मैं तो खिसक गया है क्या, मैं नहीं जाना वहां लैला लैला करने। अरे यार प्लीज यार संजय, वो मुसीबत में है यार, उसे हेल्प चाहिए यार, प्लीज यार। अबे तू मुसीबत में, तेरे को मदद चाहिए यार। संजय यार जा रहा हूं। मुझे यहाँ जबरदस्ती लाया गया था, मुझे मेरे घर वापस जाना है, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। The number you have called is currently switched off. Please try again later. अरे साहब क्या ढूंढ रहे हो साहब? अरे साहब आप जो ढूंढ रहे हो ना, यहाँ भी बंद हो गया है लेकिन दूसरी जगह चालू है, चलिए मैं दिखाता हूँ आप। अरे टेंशन मत लो साहब, वो जगह ना बिल्कुल सेफ है, यहाँ का सारा आइटम मिलेगा वहाँ। तुम जग्गू को जानते हो? जग्गू वो तो भाग गया साहब, बाकी आपको क्या चाहिए? लैला मिलेगी। लैला? अरे साहब एक से एक लैला मिलेगी, अब चलिए तो। अरे उसका नाम लैला है, नीलिमा के कोठे पे काम करती थी, वो सब भाग गई साहब, अब नहीं मिलेगी, बाकी एक से एक लैला है मेरे पास। अच्छा तुम्हारे पास जग्गू का दूसरा नंबर है क्या? क्या साहब आपको सिर्फ जग्गू ही चाहिए क्या? वो अब कभी नहीं आएगा। अरे साहब हमारी लैला को एक बार ट्राई तो कीजिए, चलिए मेरे साथ। नहीं नहीं तुम जाओ, तुम जाओ। अरे नहीं मेरे को जान दो, तुम जाओ। अरे संजय उसके साथ सच में जबरदस्ती की गई होगी, तुझे पता है मैंने सुना है कि कैसे ट्रैफिकिंग करके ले जाया जाता है और फिर जबरदस्ती मार मार के वो लोग धंधा करवाते हैं। भाई बहुत सी लड़कियां करती हैं, नफीसा भी करती होगी। और एक सेकंड, तू अपना काम वाम छोड़ के उसको ढूंढने की इतनी सोच रहा ना? अरे संजय यार
मैं वहां पर सिर्फ अपना गुस्सा निकालने गया था और मैं बस किसी को रिजेक्ट करना चाहता था यार, ताकि अपना गुस्सा बाहर निकाल सकूं। तुझे पता है पिछले एक हफ्ते से मैं सिर्फ बोलता रहा और वो मुझे सुनती रही, और ये आरती के सदमे से भी ना मैं उसी की वजह से बाहर आया हूँ। अबे किससे मिलके आ रहा है? नफीसा से मिला है किसी साइकेट्रिस्ट से? हाँ भाई तेरे को पता है पिछले एक हफ्ते में पूरा बदल गया। संजय यार वो तकलीफ में होगी यार, उसे ढूंढने में मेरी मदद करना। वो उस दलदल से बाहर निकलना चाहती है, अपने घर जाना चाहती है वो। नहीं नहीं यार छोड़ना, कहाँ लेके जा रहा है यार मेरे को? अरे तू चलना यार। यार देख तो सही, फिर से शुरू हो गया, चलना। देख नीलिमा का कोठा ना वहां पर आगे जाकर लास्ट में। तू भी लास्ट टाइम सोच ले साले, किसी और को बचाने के चक्कर में हम लोग ना फंस जाएं। तू फालतू में यार, बचाने की बाद में सोचेंगे ना, तू चल तो पहले देख तो सही कि वो है कि नहीं। चल भाई। अरे चलना भाई। मैं क्या बोल रहा हूँ, रेड पड़ी थी तो वो लोग भाग गए थे ना यहाँ से, तो कैसे मिलेगी वो तेरे को? ओ भाई साहब मिलेगी ना, वो रहने का कोटा। चल वापस। अरे रुको भाई साहब, नहीं 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 यार, एक बार देख तो लीजिए। वो रहने पीसा का कोटा, चलना। अरे भाई साहब आप जैसे अप टू डेट हो बिल्कुल वैसे ही। नहीं नहीं नहीं। अरे भाई साहब इधर आ जाओ, भाई साहब चलना तू। अरे आइए साहब आइए। रुक्साना गौरी जल्दी बाहर आओ। आ रही लड़की आ रही। नीलिमा कहाँ है? यहाँ तो वो चलाती थी ना। पता नहीं अब तो ये मैं चलाती हूँ। साहब पसंद कर लो इसमें से किसी को। लैला भी नहीं है। अरे साहब ये सब लैला ही है, बस इस नाम की यहां कोई नहीं। चलो कर लो पसंद। गौरी तू लैला को जानती है? कहां मिलेगी वो? कौन लैला साहब? वो थोड़े दिन पहले यही थी जब नीलिमा चलाती थी ना तब। पता नहीं साहब वो लोग कहीं चले गए हैं। लेकिन मैं तो लैला के लिए आया था यहाँ। अच्छा तू जग्गू को जानती है? वो यहाँ नीलिमा की लड़कियों के लिए ना कस्टमर लाता ना। नहीं साहब ये जगह ना बहुत बड़ी है, हम तो कमरे में ही रहते हैं, बाहर क्या हो रहा है कौन आ रहा है कौन जा रहा है क्या मालूम। हाँ लेकिन पिछली रेड के बाद ना बहुत लोग यहाँ से चले गए, शायद वो लोग भी चले गए होंगे। तो एक काम कर सकती है, तू मुझे नीलिमा और जग्गू का पता लगा दे, मैं तुझे अलग से पैसे दूँ। हे लैला से इश्क हो गया क्या? सुन तू मुझे पता लगा दे, मैं तुझे पैसे दे सकता हूँ यार। देखो साहब तुम भले इंसान दिख रहे हो इसलिए मुफ्त की ना एक सलाह देती हूँ। इश्क का चक्कर तो फिर ठीक है, लेकिन तुम्हारी शक्ल देख के लग रहा है ना कि उस लड़की ने ना तुम्हें कोई जबरदस्ती वाली कहानी सुनाई है। मत पड़ो इन चक्करों में साहब, ये लड़कियां ना टाइम पास करने के लिए आप जैसे को फंसाती है, दूर रहो इनसे। तू जानती है लैला का पता? नहीं लेकिन जिस बेसब्री से आप ढूंढ रहे हो ना इतना जानती हूँ कि उसकी मदद करना चाहते हो। तो कहाँ मिलेगी बता देना मुझे। मैं नहीं जानती साहब, मैंने तो उसका नाम तक नहीं सुना। अब नहीं जाऊंगा वहां पर मैं, साले फंस जाता वहां पर मैं। मैंने रुखसाने से नफीसा के बारे में पूछा, वो भड़क गई मेरे ऊपर। यार लेकिन संजय नफीसा को तो ढूंढना होगा ना यार, और मैं अकेले कैसे ढूंढूं? देख मेरी बात मान, तू ना ठीक लग रहा, उस आरती के चक्कर से बाहर आ चुका तू अब। उस नफीसा के साथ जो भी हुआ वो पूरा है, लेकिन जा चुकी वो अब, क्यों तेरे को एक और बवाल मोल लेना है मेरे भाई? और हो सकता है नफीसा नाम उसने तेरे लिए रखा हो, सच्चाई कुछ और ही हो। हाँ कुछ वक्त पहले तक तपन गर्ग की अवस्था काफी खराब थी, अपनी गर्लफ्रेंड आरती से हुए ब्रेकअप से वो बाहर नहीं आ पा रहा था, और आज वो हर हालत में नफीसा कुरैशी की मदद करना चाहता था, लेकिन नफीसा के ठिकाने का उसे कोई अंदाजा नहीं था। आइए सर। वेश्यावृत्ति की दुनिया, जहां पैसों के बदले शरीर बेचा जाता है, जहां वासना और शारीरिक सुख के लिए भावनाओं को कुचल दिया जाता है। कई महिलाएं अपने हालात से मजबूर होकर इस जीवन को अपना लेती हैं, और कुछ को ना चाहते हुए भी जबरदस्ती हिंसा और दबाव के कारण वेश्यावृत्ति को ही अपना जीवन स्वीकार करना पड़ता है। आज से लैला नाम होगा तेरा, समझी तू? लैला। तेरे लिए रोज कस्टमर आएंगे, सबके साथ सब कुछ करना होगा, किसी को मना मत करना, हर कोई खुश होके जाना चाहिए यहाँ से, समझी? समझी के नहीं, वरना ये पट्टा देख रही है ना तू?
रांची में जॉब करती हो? जी। शहर में देखा है तुम्हें कई बार? वो आते जाते देखा होगा आपने। क्या जॉब करती हो? जी मैं रिसेप्शनिस्ट हूँ ब्यूटी पार्लर में। अच्छा। गुड मॉर्निंग गोल्डन कैप पार्लर। मैम मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए। जी मैम एक मिनट मैं चेक कर लेती हूँ। मैं 12th क्लास तक पढ़ी हूँ। आगे क्यों नहीं पढ़ी? वो फैमिली प्रॉब्लम हो गई थी, अब्बू गुजर गए, छोटा भाई है उसे आगे पढ़ना था, वो फाइनल ईयर में है अभी। अम्मी है घर पर? हाँ है ना, हम दोनों मिलकर घर चलाते हैं। दीमापुर का एक स्कूल है ना, उसमें अम्मी काम करती है। अम्मी उठ जाओ, अम्मी चाय। क्या हुआ अम्मी, तबीयत ठीक नहीं है? हाँ बेटा बस थोड़ा बुखार है। तो बताया क्यों नहीं? अभी आप ही बोलो ना अम्मी को कि 2-3 दिन की छुट्टी ले ले। अब छुट्टी लूंगी तो पैसे कटेंगे ना बेटा उसके। अम्मी ऐसी बातें क्यों करते हो आप? मुराद तू कॉलेज के बाद अम्मी को डॉक्टर के पास ले जाना। अभी मैं लेकर गया था, डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट करने को बोला। हाँ तो अभी मैं तो लेकर चला जाऊँ, लेकिन अम्मी पैसे लगेंगे बोलकर मना कर देती हैं। के लिए मुराद, और अगर पैसे कम पड़े तो मुझे बता देना, मैं निकलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। बस 7,500 रुपये? जी अभी तो इतना ही है, वैसे मैंने मैडम जी से कहा है थोड़ा सा कुछ बढ़ा दें। अरे 500-1,000 से और ज़्यादा क्या बढ़ाएंगी रफीसा, तुम पढ़ी लिखी हो, 12th पास हो और अंग्रेजी भी ठीक ठाक बोल लेती हो, क्यों इतने कम में काम करती हो? पीना जी मैंने ना कहीं देखा नहीं है, और लेकिन अगर कहीं अच्छा कुछ मिलेगा, ज्यादा मिलेगा तो मैं वहीं कर लूंगी। अरे रांची से बाहर ट्राई करो, जैसे मुंबई वगैरह। पता है तुम्हें जो रिसेप्शनिस्ट का जॉब तुम यहाँ कर रही हो ना, इस काम के लिए मुंबई में आराम से 25,000 से 35,000 मिल जाएंगे तुम्हें। 25,000 से 35,000? और नहीं तो क्या। अरे तुम पढ़ी लिखी हो, एक्सपीरियंस हो और खूबसूरत भी हो, इतने तो तुम्हें बिना मांगे मिल जाने चाहिए। रिपोर्ट्स लेने के बाद डॉक्टर के पास भी गया था, बोला कि इलाज करवाओ और अम्मी को रेस्ट करने के लिए बोला। ठीक है। अभी मैं सोच रहा था कि कहीं जॉब कर लूं ताकि अम्मी काम छोड़ के आराम कर सके और इलाज भी आराम से हो जाए। नहीं नहीं मुराद, तू अपनी पढ़ाई देख। ट्रीटमेंट में पैसे लगते हैं अभी, आप अकेले नहीं कर पाओगी। कर रही हो फिर? अपनी मार्कशीट और सर्टिफिकेट देख रही थी, ट्राई कर लेती हूँ अगर बाहर की जॉब मिल जाए तो। बाहर कहाँ? मुंबई। मुंबई? बीना कुमारी नाम की एक लेडी मिली है, उन्होंने ही मंगवाए हैं सर्टिफिकेट्स में से। तुझे पता है वो कह रही थी मुझे 25,000 से 35,000 की नौकरी मिल सकती है। लेकिन अब भी आप रहोगी कहाँ वहाँ? उसका इंतजाम भी बीना जी कर देंगी। माफ कीजिएगा बीना जी मैं थोड़ा सा लेट हो गई। कोई बात नहीं, ये लो तुम्हारी जॉब पक्की हो गई है, मुंबई में फार्मा कंपनी है एनकेटी फार्मा। सच्ची बीना जी? हाँ, बस 35,000 नहीं दिलवा सकता, 30,000 तक सैलरी दिलवा देगा। 30,000? और कोई इंटरव्यू भी नहीं होगा? अरे नहीं बाबा, तुम्हारी फोटो और मार्कशीट से वैसे भी तुम्हारा काम हो गया है। मेरा भाई सुरेश अगले हफ्ते रांची से मुंबई के लिए निकल रहा है, हफ्ते भर का टाइम है, सोच लो हो सके तो तुम भी उसी के साथ निकल जाना, वो तुम्हारे रहने खाने का सारा इंतजाम कर देगा मुंबई में। अगले हफ्ते? नफीसा के इतनी दूर जाकर काम करने की बात से न मुराद खुश था न उसकी अम्मी बिल्किस, लेकिन नफीसा घर की बड़ी बेटी थी जो काम करके घर चला रही थी, उसने अपनी अम्मी और भाई मुराद को मना लिया। हफ्ते भर बाद नफीसा अपने परिवार और पुराने काम को छोड़कर रांची से मुंबई के लिए निकली। नफीसा सुरेश के साथ जाने के लिए निकली थी, जिसको बीना ने अपना छोटा भाई कहकर मिलवाया था।
नफीसा लाओ अपना फोन, मैं तुम्हें नया फोन और सिम कार्ड दे रहा हूँ। आज से तुम्हारे बिल का सारा खर्चा कंपनी उठाएगी। लो। सुरेश भैया, हम आगरा क्यों आए? बीना दीदी ने तो कहा था हम सीधा मुंबई जाएंगे। हाँ, प्लान तो सीधा मुंबई जाने का ही था, लेकिन क्या है ना, दिल्ली में हमारी कंपनी की एक अर्जेंट मीटिंग निकले। लेकिन तुम फिक्र मत करो, यहाँ आगरा में मीटिंग के लिए KNT फार्मा का मेरा एक दोस्त आया, वो यहाँ से तुम्हें दिल्ली और फ्लाइट से सीधा तुम्हें मुंबई पहुँचा देगा। आओ नफीसा, आओ। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जाओ नफीसा, अंदर जाके फ्रेश हो जाओ, लंबा सफर है, आगे भी तो जाना है, जाओ जाओ। सुरेश भैया, मुंबई किसके साथ जाना है? ये जगन है, जग्गू कहते हैं, ये लेके जाएंगे तुम्हें एयरपोर्ट। चलो जाओ जाओ। बैग मुझे। अरे ठीक है, चलो शर्माओ मत, चलो आराम कर लो, खाना मंगाते हैं, आ जाओ। पापा, अगर हमें किसी को ढूंढना हो जिसका हमें सिर्फ नाम पता हो, तो हम उसको कैसे ढूंढेंगे? क्या वो नाम? मैं किसी को, देख बेटा, आरती जिससे शादी करने वाली उसे ढूंढ के अगर बता भी देगा तू उसे, तो भी आरती वापस नहीं आने वाली। पापा, मैं आरती की बात नहीं कर रहा हूँ, उसका किस्सा खत्म हो गया। वो फिर किसे ढूंढ रहा है तू? धंधे वाले के पास गया था? जरा सोच, ये बात अगर तेरी मम्मी को पता चली तो। पापा, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं बस थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड था इसलिए चला गया। पापा, मैं बस उसकी हेल्प करना चाहता हूँ, उसको कैसे ढूंढो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं सिर्फ उसका नाम जानता हूँ, नफीसा कुरैशी। सोशल मीडिया पर चेक किया, फ्रेंड स्क्वायर वगैरह में देख, आजकल हर कोई होता है वहां पे। किसी भी यंगस्टर को ढूंढना हो तो सोशल मीडिया सही है। थैंक यू पापा, यू आर ग्रेट। इतनी रात गए काम कर रहे हैं तू? गुड नाइट मम्मी। अरे मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी तुझे। तपन गर्ग फ्रेंड स्क्वायर पर हर उस प्रोफाइल को चेक कर रहा था जो नफीसा कुरैशी के नाम से थी, इस उम्मीद में कि वो जिस नफीसा को ढूंढ रहा है उसका प्रोफाइल उसे मिल जाए। यार संजय, अब तक 68 प्रोफाइल चेक कर चुका हूँ और अभी भी बाकी है। मैंने तो उसके भाई मुराद कुरैशी को भी सर्च किया, उसके नाम की भी 38 प्रोफाइल्स हैं, लेकिन उसको कैसे ढूंढूं? उसको तो पहचानता भी नहीं हूं यार। एक बात बता, ये फ्रेंड स्क्वायर पे तेरी वाली नफीसा मिल भी गई तो तू क्या कर लेगा? उसका स्टेटस अपडेट मिलेगा तेरे को कि मैंने एड्रेस चेंज कर लिया है, कोठा कहीं और है। अबे जबरदस्ती रखा गया है ना उसे वहां पर, तो सेल फोन कहां से होगा उसके पास और वो सोशल मीडिया कहां से चलाएगी? सोचना। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। सोचना भी मत बेटा, मिल भी गई ना तब भी कुछ नहीं कर पाओगे। काफी खोजबीन के बाद आखिरकार किस्मत ने साथ दिया और तपन को उस नफीसा कुरैशी की प्रोफाइल मिल गई जिससे वो कोठे पर मिला था। पापा, एक मिनट, आओ ना, काम है। आओ ना। ये देखो, ये वो लड़के के साथ फोटो है उसका, शायद यही मुराद होगा, उसका भाई। नफीसा की फ्रेंड लिस्ट चेक कर, शायद मुराद उसमें ऐड होगा। नफीसा की फ्रेंड लिस्ट में मुराद कुरैशी है, यही होगा मुराद, नफीसा का भाई। इसको मैसेज करना चाहिए, नफीसा को तो फंसाया गया है, मतलब मुराद को नहीं पता होगा।
मैसेज तो करके देख, हो सकता है अपनी बहन को बचाने आ जाए। अम्मी जा रहा हूं, आते वक्त पुलिस स्टेशन से होते हुए आऊंगा। हाय मुराद, मेरा नाम तपन गर्ग है, मैं आगरा से हूँ। मुझे तुम्हारी बहन नफीसा के बारे में बात करनी है। मैं तुम्हारी बहन से यहाँ आगरा में एक कोठे पर मिला था। मेरा नंबर है 444-9831। नफीसा के बारे में तपन की खोज ने आखिरकार नफीसा के भाई के सामने उसका सच ला दिया था कि नफीसा के साथ क्या हुआ था और वो इस समय कहाँ थी। लेकिन इससे पहले कि मुराद तपन को कॉल करके उससे बात करता, तपन को एक दूसरा कॉल आने वाला था जो बहुत महत्वपूर्ण था और इस पूरे मामले को पलट कर इसका रुख बदल देने वाला था। हेलो, हाँ गौरी, तुमने फोन किया था? देख, पहले तो मेरे को बोल कि तू मेरे पास आएगा और मुझे 5,000 रुपए देगा। हाँ 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 गौरी, दूंगा, पहले बताना जग्गू मिला कि नहीं। जग्गू और नीलिमा ने इसी बाजार में यहाँ से एक गली छोड़कर फिर से अपना डेरा जमाया है। अच्छा सुन, वहाँ पर लैला है क्या? वो मेरे को नहीं पता। देख, मैंने अंदर जाके मालूम नहीं किया, लेकिन मुझे इतना मालूम पड़ा है कि इस बार ना वो लोग बहुत सी नई लड़कियां लेकर आए हैं। थैंक यू यार गौरी, मैं ना तुझे वहाँ के तेरे सारे पैसे दे जाऊंगा। थैंक यू। मुराद ने तुरंत तपन से बात की और आगरा के लिए निकल गया। आगरा में तपन ने मुराद को रिसीव किया और तपन मुराद को उस जगह ले गया जहां नफीसा थी, ताकि मुराद पहचान कर सके कि वो लड़की लैला मुराद की बहन नफीसा कुरैशी है। यहां आगे से राइट और फिर से राइट, लेकिन ध्यान रखना इन लोगों ने नाम बदल दिया उसका, लैला बुलाते हैं। तुम जाओ, मैं तुम्हारा वेट करता हूँ। जाओ जाओ जाओ, आगे से राइट और फिर से राइट, नीलिमा का कोठा। अरे आइए आइए साहब, आइए। अरे नेहा, काजल, सब जन आ जाओ बाहर। देख लो इनमें से कौन चाहिए। मैं लैला के लिए आया हूं। लैला, पहले भी आए हो क्या? नाम कैसे जानते हो? वो मेरा एक दोस्त है, उसने बताया। कौन दोस्त? तपन नाम है उसका, तपन कर। अच्छा अच्छा, तपन कहाँ है वो? उन्हें पता है हम वापस आए हैं? वो आए नहीं? आएगा, वो भी आएगा, लेकिन पहले मुझे लैला चाहिए। लैला का भाव अभी बढ़ गया है, 1 घंटे का 1,000 लेगी वो, और 2 घंटे के लिए ले जाओगे तो 1,500 दे देना। चलेगा। आप यहां कैसे? वो
वो मेरी अपनी नफीसा ही है। मुराद 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 रो मत, तू वीक नहीं पड़ सकता यार, हमें नफीसा को छुड़ाना है। तो हम पुलिस के पास चलते हैं ना? नहीं, पुलिस के पास नहीं जा सकते। मैं किसी ऐसे के पास जाना होगा जो पुलिस को बताए कि क्या करना है। हम कोई गलती नहीं कर सकते हैं मुराद। ये जानने के बावजूद भी कि नफीसा वेश्यावृत्ति में फंसी है और अब वो कहाँ है? आइए सर। नफीसा को उस जगह से बाहर निकालना इतना आसान नहीं था। पुलिस को इन्वॉल्व करें पापा। नहीं नहीं, ये सारी चीजें पुलिस के नाक के नीचे ही तो होती रहती। पुलिस पर सीधे भरोसा करना ठीक नहीं है। ये महिला आयोग का एड्रेस मैंने तुम्हें सेंड कर दिया है, उनकी हेल्प ले लेना। मैम, मैंने बिना कुमारी का बस नाम ही सुना। नफीसा आप भी उनके बारे में जानती हैं? मैम, बहुत मुश्किल से नफीसा के बारे में पता चला है, और मुराद ने खुद कंफर्म किया है कि वो उसकी बहन है। मैं आपको फ्रेंड स्क्वायर पर नफीसा की फोटो और बाकी डिटेल्स भी दिखा सकता हूँ। तुमने रांची में पुलिस कंप्लेन किया था ना, वहाँ की कंप्लेन कॉपी है? नहीं मैम, लेकिन पुलिस को ये केस याद है, मैं फॉलो अप लेता रहता हूँ। रजनी, पुलिस स्टेशन फोन करके पूछो क्या प्रोग्रेस है। मैम, नफीसा को तुरंत रेस्क्यू करवा सकती हैं क्या? वो वहाँ एक महीने से फंसी हुई है। यू डोंट वरी, हम लोग इमीडिएटली एक्शन लेंगे, लेकिन उसके लिए मुझे पहले पुलिस से बात करनी होगी, और आई थिंक किसी और ज्यूरिडिक्शन पुलिस के साथ। जी सर। तुम इस जगह और नीलिमा दोनों को अच्छी तरह से जानते हो, इसलिए सबसे आगे तुम जाओगे कस्टमर बनकर, और तुम्हारे पीछे देवेन और सुभाष ये भी पहुंचेंगे, और इसके ठीक 15 मिनट बाद हम लोग रेड करेंगे। सर, मैं भी जाऊंगा। मुराद, अगर तुम्हारी बहन वहाँ है तो हम किसी भी कीमत पे उसे लेके आएंगे, भरोसा रखो हम, और यहीं रुको। तपन साहब, कैसे हैं साहब? मैं ठीक हूँ, तू कैसा है जग्गू? मैं बिल्कुल अच्छा है। अरे तुम लोग गायब कहाँ हो गए थे? अरे छोड़िए वो सब, अब वापस आ गए हैं ना। मैं भी वापस आ गया हूँ। आपको कैसे मालूम चला कि हम लोग वापस आ गए? वो रेड के बाद 2-3 बार आया था मैं, लेकिन तुम लोग मुझे मिले ही नहीं। फिर कल देखा मैंने तो जैसी मार्केट में। अच्छा, अभी आपको मालूम है नीलिमा कहाँ बैठती है? नहीं, किधर? आइए आपको मिलाते हैं, आइए। नीलिमा, देख कौन आया। आइए आइए, बड़े दिनों बाद आए हो। कल आपका कोई दोस्त आया था? हाँ, वो मैंने भेजा था उसे। देखिए, लैला का रेट बढ़ गया है, लेकिन आपके लिए वही रेट रहेगा। 1200। पुलिस थोड़ी देर में यहाँ पे पहुंचने वाली है, और मुराद भी हमारे साथ है। क्या नाम बताया उसने? कौन दोस्त आया था? नाम तो नहीं बताया उसने, कहा कि तपन का दोस्त है, लैला चाहिए। लेकिन मुझसे तपन कह रहा था कि उसको हमारे नए डर के बारे में मालूम नहीं, फिर दोस्त को कैसे भेजा? कुछ गड़बड़ है क्या? लगता तो ऐसा ही है। हाँ हाँ, आइए, मिलेगी ना। हाँ तपन। सर, सर नफीसा यही है। ठीक है, देवेन और सुभाष पहुंच गए, और हम भी बस पहुंच ही रहे हैं। 5 मिनट नफीसा, 5 मिनट में पुलिस यहाँ पर होगी, तो 5 मिनट में हमेशा के लिए यहाँ से बाहर होगी। अरे तपन साहब, 1 मिनट दरवाजा खोलिए। तुम रुको, मैं देखता हूँ। बैठो बैठो। क्या हुआ नीलिमा जी, अभी तो टाइम शुरू हुआ है। क्या चल रहा है, कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कर रहे हो? इसके साथ कुछ करते भी हो, ऐसे ही पैसे दे रहे हो? इसके साथ मैं क्या करता हूँ, उससे तुम्हें क्या मतलब है? पैसे तो दे रहा हूँ ना तुम्हें। तेवर बदल गए तपन साहब, लैला नहीं मिलेगी। अपने पैसे वापस लो और निकलो यहाँ से। लैला चल निकल। अरे क्या कर रहे हो यार? लैला चल निकल। क्या कर रहे हो यार? मैं बोल रहा हूँ, मेरा टाइम अभी शुरू हुआ है, ऐसे नहीं कर सकते आप लोग। पैसे नहीं है मेरे, आप लोगों क्या कर रहे हो? पैसे दिए ना मैंने। अरे जाइए। बोल, कौन है बिना औषधि?
जल्दी बोल वरना तेरे सारे दांत यहीं तोड़ दूंगी। बीना को मैं नहीं जानती और सुरेश तो दलाल है, 40,000 दिए मैंने इसके, पूरे 40,000 है, गिनना हो तो गिन लो। चलता हूँ। अरे साहब मेरी बात तो सुनिए साहब, साहब नफीसा कुरैशी ने महिला आयोग में अपना बयान दर्ज करवाया। जरूरी कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद नफीसा को उसके घर जाने के लिए छोड़ दिया गया। नीलिमा के साथ कड़ी पूछताछ हुई लेकिन पुलिस उस सुरेश तक नहीं पहुंच पाई जो नफीसा को आगरा लाया था। ना ही पुलिस को बीना कुमारी के बारे में कुछ पता चला जिसने नफीसा कुरैशी की तस्करी की थी। मुराद की कैब तुम्हें दिल्ली एयरपोर्ट तक छोड़ देगी, दोपहर में तुम दोनों की फ्लाइट है और शाम तक तुम दोनों रांची पहुंच जाओगे। थैंक यू तपन, आपने हमारे लिए जो कुछ भी किया हम उसे कभी भुला नहीं पाए। मुराद अब ये सब सोचने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, तुम दोनों अपने घर जाओ और एक बार इन्फॉर्म कर देना जब घर पहुंच जाओ तो। आओ तपन, मैंने तुमसे पहले भी कई लोगों से मदद मांगी थी, बहुत मिन्नतें भी की थी मैंने, मुराद का नंबर तक दे दिया था लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। नफीसा मैं बहुत खुश हूं कि तुम अपने घर जा रही हो, अब इन सब चीजों के बारे में मत सोचो, अब अपने घर जाओ लेकिन मुझे इन्फॉर्म जरूर कर देना एक बार पहुंच जाओ तो। ओके नफीसा उस नर्क की दुनिया से बाहर अपने घर वापस आ गई। तपन गर्ग भी अपनी पुरानी जिंदगी में वापस आ गया है, दर्द उदासी और अशांति से भरी जिंदगी से बहुत दूर। तुझे तो बताना भूलिया मैं, नफीसा सही सलामत घर पहुंच गई अपनी। हीरो निकला तू, आरती ने छोड़ के गलती कर दी। वैसे थोड़ा बहुत क्रेडिट तो तेरे को आरती को भी देना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, उसको देना चाहिए। अगर बीना सुरेश नीलिमा और जग्गू जैसे शैतान इंसानी रूप में हमारे इर्द गिर्द हैं जो लोगों की मासूमियत का फायदा उठाकर अपना पेट भरते हैं तो इस दुनिया में अच्छे लोग भी हैं। ये जो अच्छे लोग हैं ये सामान्य व्यक्ति हैं लेकिन आम तौर पर किसी को भी तकलीफ में देख कर तुरंत उसकी मदद के लिए खड़े हो जाते हैं। और देखा जाए तो दुनिया में बुरे लोगों से ज्यादा तपन जैसे भले लोग हैं, और ये सिर्फ मान्यता या कोई कहावत नहीं है बल्कि सच्चाई है कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है। मासूम लड़कियों को अच्छे काम और आमदनी के सपने दिखाकर बेवकूफ बनाकर शहर लाया जाता है और फिर उन्हें बेच दिया जाता है, और इस जाल में फंसने से बचने के लिए सतर्क रहना जरूरी है। अपनी इंसानियत और विनम्रता को इतना दृढ़ करें कि बुरी ताकतों का विनाश निश्चित हो। ऐसी बुराई जो ताकतवर लोगों के संरक्षण और उनकी सहायता से पनपती है उसे सिर्फ एक आम इंसान की अच्छाई से ही कुचला जा सकता है। जबरन गुलामी के कई केसेस में हमने देखा है कि एक सामान्य व्यक्ति की अच्छाई और उसके दृढ़ इरादों ने ही गुलामी में फंसे हुए लोगों को बचाया है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी, और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क सोमवार से शुक्रवार रात 11 बजे। और याद रखें क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.